स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट क्लास 10 बायोलॉजी। तो क्लास 10 बायोलॉजी मैंने आपको स्टार्टिंग में करा दिया था। इससे पहले जस्ट टॉपिक आपको करा था कि हेटरोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं, होलोजाइक न्यूट्रिशन तक मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब उसके बाद आता है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है, कोई भी एनिमल जब फूड इंटेक करता है तो किस टाइप से, किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए उसमें पूरी न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है। एनिमल कोई भी हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, चाहे आपका एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा हो या पैरामीशियम हो, या फिर आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन या फिर आपका डॉग कैट हो, सभी में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो 5 स्टेप को फॉलो करती है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है वो कितने स्टेप को फॉलो करती है? 5 स्टेप को फॉलो करती है। ठीक है, अब बात करते हैं ये 5 स्टेप हैं कौन से। तो फर्स्ट आता है आपका इंजेशन, सेकेंड आता है आपका डाइजेशन, थर्ड आता है आपका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है आपका एलिमिनेशन, एंड फिफ्थ है आपका डिलीशन। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका इंजेशन। ये क्या है? स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन कौन से हैं? इंजेशन में क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है आपका इनटेक ऑफ कोई भी फूड मटेरियल है उसे क्या करना है, आपका इंटेक करना ही क्या कहलाता है, इंजेक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ हैंड आप ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं वो किसमें आता है? आपका इंजेक्शन में आता है। तो इंजेक्शन का मीनिंग होता है इंटेक ऑफ फूड मटेरियल को इंटेक करना क्या कहलाता है, आपका इंजेक्शन। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप है न्यूट्रिशन में। न्यूट्रिशन कब मिलेगा आपको? जबकि आप कोई चीज इंटेक करेंगे, खाएंगे, तभी तो मिलेगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। तो सबसे पहले इंजेशन का मीनिंग इंटेक ऑफ फूड। अब दूसरा आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मीनिंग होता है आपका जो आपने फूड इंटेक किया है। ठीक है, जो भी आपने फूड इंटेक किया है उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेक्स फॉर्म में क्या हो जाना, कन्वर्ट होना। मीन्स क्या आपका डाइजेशन का मीनिंग क्या है आपका? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन या सिंपलर टू। ठीक है, जो भी आपने खाया उसका कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल से कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? डाइजेशन। और डाइजेशन में बहुत सारे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि बक्कल कैविटी। सबसे पहले आप खाना खाते हैं तो कहाँ जाते हैं? माउथ में जाता है। फिर माउथ से कहाँ जाता है? पेट से, तो स्टमक में जाता है। तो इसमें बहुत सारे आपके ऑर्गन क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। जिसमें आपका डाइजेशन में। तो डाइजेशन क्या प्रोसेस है? आपने जो भी इंटेक किया फूड का, अब फूड इंटेक किया जैसे आपने प्रोटीन, अब प्रोटीन का सिंपलेक्स फॉर्म आपका क्या होता है? पेप्टाइड या फिर अमीनो एसिड। तो प्रोटीन का अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में एमिनो एसिड में, ठीक है, इसका जैसे एग्जांपल लिख देते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? प्रोटीन का अपने सिंपलेस्ट फॉर्म आपका पेप्टाइड या फिर सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड में क्या होना? कन्वर्ट होना। क्या कहलाता है आपका? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट आता है आपका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या होता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड है, मींस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब इस सिंपलेक्स फॉर्म का हमारी बॉडी में क्या होना? एब्जॉर्ब होना। ठीक है, हमारी बॉडी में जो सिंपलेक्स फॉर्म बन चुके हैं डाइजेशन की प्रोसेस से, उनका हमारी बॉडी में क्या होना? एब्जॉर्ब होना। ठीक है, हमारी बॉडी जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है उन्हें विद द हेल्प ऑफ इंटेस्टाइन की हेल्प से क्या कर लेगी? धीरे धीरे इनटेक कर लेगी। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन आपका क्या होता है? इनटेक ऑफ डाइजेस्टेड सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेस्टेड जो फूड हो गया, जो सिंपलर फॉर्म में फूड आ गया है, उसको क्या करना? इनटेक करना। ठीक है, किसकी हेल्प से इनटेक करना? आपका इंटेस्टाइन। ठीक है, इसे हम और डिटेल में भी पढ़ेंगे। इंटेस्टाइन की हेल्प से क्या करना आपका? इसे एब्जॉर्ब करना, इंटेक करना न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, वो कहलाता है आपका क्या? एब्जॉर्प्शन। अब फोर्थ आता है आपका कौन सा? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मीनिंग क्या है? जो एब्जॉर्ब हो
फूड है, तो ये एब्जॉर्ब क्यों किया, जिससे आपको एनर्जी मिले, आपकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो जो एब्जॉर्ब फूड है उसका टारगेट ऑर्गन तक क्या होना, आपका ट्रांसफर होना। एसिमिलेशन मींस ट्रांसफर ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम टारगेट ऑर्गन। ठीक है, टारगेट ऑर्गन तक आपका डाइजेस्टेड फूड का क्या होना, डाइजेस्टेड फूड का आपका क्या होना, ट्रांसफर होना, क्या कहलाता है, आपका एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो आपका टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता कैसे, वही ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से आपका पहुंच जाता है। अब आता है आपका डिजेशन, ठीक है, या फिर इसे हम बोलते हैं आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन का मीनिंग क्या है, आपका रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए, जो डाइजेस्टेड था, जो डाइजेस्टेड हुआ वो तो क्या कर लिया आपने, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब कुछ अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट भी तो हमारी बॉडी के अंदर बचता है, तो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी डिजेशन। क्या है इसे, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एग्जिट आउट करना क्या कहलाता है, आपका इडिशन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो आपके स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आपके फाइव है, आपको समझ में आ गए। दोबारा इसे मैं रिकॉल करवा रही हूँ, उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, बिल्कुल समझदार हो गए हो। ठीक है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम क्या करते हैं, आपका हम फटाफट से इसे रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करने के लिए आपका क्या है, चलिए लाइक किसे करना है, मुझे लाइक नहीं करना है, इसे इसे चौहान क्लासेस को लाइक करना है, समझ गए ना। हाँ, चलिए, तो आपका क्या है, इंजेक्शन, फाइव स्टेप है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन या रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब इनटेक ऑफ फूड, वेरी गुड। सेकेंड, डाइजेशन का मतलब, डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है आपका, डिफरेंट जो आपके ऑर्गन है डाइजेस्टिव ऑर्गन से कॉम्प्लेक्स फूड का सिंप्लेक्स फूड में कन्वर्ट हो जाना। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है आपका, कि जो आपका डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, सिंप्लेक्स फूड मटेरियल का हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन की हेल्प से क्या हो जाना, आपका इनटेक कर लिया जाना। नेक्स्ट है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मीनिंग है जो इनटेक फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स हमने इनटेक कर लिए, उन्हें हमारी बॉडी के टारगेट ऑर्गन तक, जहां पर उनका यूज हो सके, जिनसे हमें एनर्जी मिल सके या ग्रोथ हो सके, वहां तक पहुंचाने की प्रोसेस क्या है आपकी, एसिमिलेशन। नेक्स्ट आता है आपका इजेशन, इजेशन का मीनिंग क्या है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड वो गंदगी गंदगी से बची, उसे क्या कर देना आपका, रिमूव कर देना, क्या कहलाता है, इजेशन या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब इसके बाद आपका एक और टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, इसी में मैं उसे इंक्लूड किए दे रही हूँ, एंड न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वो आपका एक अलग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझा दूंगी। तो अब आपका टॉपिक आता है कौन सा, न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, मैंने क्या बताया था, कोई भी आपका एनिमल हो, चाहे यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, उनमें अगर डाइजेशन न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है, तो न्यूट्रिशन हमेशा कितने स्टेप फॉलो करेगा, फाइव स्टेप। ठीक है, कितने स्टेप फॉलो करेगा, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब अमीबा में पढ़ना है, अमीबा आप सभी जानते हैं, अमीबा कैसा होता है आपका, अमीबा एक यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो कि आपका क्या है,
वॉटर बॉडीज में मिलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सिंपलेस्ट टाइप का एनिमल की स्टडी कर लेते हैं कि उसमें न्यूट्रिशन या डाइजेशन की प्रोसेस किस टाइप से होती है। तो आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो अमीबा कैसा है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात, जो अमीबा है, अमीबा अपना फूड इंटेक करता है, ठीक है। अमीबा अपना फूड इंटेक करता है कौन सी प्रोसेस से, आपका फैगोसाइटोसिस का मीनिंग होता है आपका सेल फीडिंग। का मीनिंग क्या है, सेल फीडिंग। नेचुरल के हिसाब से अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इसके अंदर ना तो माउथ है, ना एनस है, ना अदर आपके डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है। तो इसमें जो फीडिंग है, फीडिंग का मीन्स वो खा रहा है, ठीक है, खाना खा रहा है, वो कैसे करेगा, आपका सेल के द्वारा ही खाना खाएगा, उसमें डाइजेशन होगा एक सिंगल सेल के अंदर ही, उसी वही सिंगल सेल आपका इंजेक्शन करेगा, वही डाइजेशन करेगा, वही एब्जॉर्प्शन, उसी में एसिमिलेशन, और उसी सिंगल सेल से जो वेस्ट मटेरियल आपका बचा वो क्या होगा, बॉडी से बाहर एग्जिट आउट होगा। मीन्स एक सिंगल सेल के अंदर ही क्या हो रही है, डिफरेंट प्रोसेसेस हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अमीबा कौन सी प्रोसेस से फीडिंग करता है, आपका फैगोसाइटोसिस से, ठीक है। फैगोसाइटोसिस मीन सेल फीडिंग। चलिए अब आपकी बात करते हैं, समझ गए, तो ये जो अमीबा है, अमीबा सबसे पहले आपका क्या करता है, इंजेक्ट करता है, ठीक है। इंजेक्शन का मतलब फूड को इंटेक करना। तो इंजेक्शन आपका कैसे होगा, मैं यहाँ पर अमीबा आपका बनाए दे रही हूँ, ये अमीबा बना, ठीक है। ये क्या है इसका, ये फीडर, ठीक है, ये आपका अमीबा बना दिया है। अब अमीबा यहाँ पर है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये मैंने क्या बना दिया, अमीबा का फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है आपका फूड। तो अमीबा इस फूड तक कैसे पहुंचेगा, भाई सिंगल सेल है अमीबा का, तो उसमें हाथ पैर तो होंगे नहीं कि भाई दौड़ के पहुंच जाएगा खाना देखा, जैसे आप अपना फेवरेट फूड केक वगैरह देखते हैं, छोले भटूरे देखते हैं, तो दौड़ के भाग के पहुंच जाते हैं। तो अमीबा के पास क्या है, हाथ पैर, कोई ऑर्गन तो है नहीं, क्योंकि वो सिंगल सेल से बना है, फिर बेचारा यहाँ से चलकर यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, तो वो क्या बनाता है अपना फॉल्स हाथ, ठीक है, पैर, ठीक है। तो वो अपने फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करता है, और अमीबा के जो फॉल्स फीट है उन्हें हम क्या कहते हैं आपका, प्यूडोफोरिया, प्यूडोफोरिया, इसका फॉर्मेशन करता है प्यूडो, प्यूडो का मतलब फॉल्स और फोरिया का मतलब फीट, जमीन फॉल्स, फोरिया मीन फीट, तो फॉल्स फीट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसने बिल्कुल फीट लाइक स्ट्रक्चर बना दिए, और ऐसे चलते हुए और चारों तरफ से किसको उसने ये किया, फूड मटेरियल को उसने क्या किया अपना, ये किया, ठीक है। तो इस तरीके से प्यूडोफोरिया की हेल्प से क्या करता है अपना, इंजेक्शन करता है, फूड को इंटेक करता है, ठीक है। और प्यूडोफोरिया बता दिए क्या है आपके, फॉल सीड, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका इंजेक्शन की प्रोसेस, समझ में आई, इंजेक्शन किसकी हेल्प से करता है अमीबा, प्यूडोफोरिया की हेल्प, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आता है आपका, यहाँ पर सेकेंड स्टेप कौन सा था, फर्स्ट डाइजेशन था, सॉरी फर्स्ट इंजेक्शन था, सेकेंड कौन सा था आपका, डाइजेशन, डाइजेशन। तो ये मैंने बना दिया अपना अमीबा, ठीक है, ये आपका क्या बन गया, अमीबा बन गया, एरो दिखाई देना है सभी को। अब अमीबा आपका ये बना, ये वही उसका न्यूक्लियस, ये पूरा अमीबा, और फूड मटेरियल आपका दिया, ठीक है, ये फूड मटेरियल आपका प्रेजेंट है। फूड मटेरियल एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, वैक्यूल को हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल, क्या है आपकी, फूड, फूड वैक्यूल, ठीक है। तो फूड वैक्यूल के अंदर क्या है आपका, यहाँ पर फूड प्रेजेंट है। फूड वैक्यूल क्या है, एक तो टेम्परेरी स्टमक है, ठीक है, हमेशा के लिए नहीं बनी रहती, फूड वैक्यूल एक टेम्परेरी स्टमक की तरह वर्क करती है, इसमें आपका अमीबा, ठीक है, अमीबा में ये आपका फूड वैक्यूल एक टेम्परेरी स्टमक की तरह वर्क करती है। अब डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन में बहुत सारे एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स को सिंप्लेक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां से जो
साइटोप्लाज्म। ये क्या है? साइटोप्लाज्म ऑफ अमीबा। बताया ना सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म होता ही है। तो साइटोप्लाज्म से बहुत सारे एंजाइम इस फूड वैक्यूल के अंदर क्या करेंगे? एंटर करेंगे। कौन एंटर कर रहा है यहाँ पर? आपका एंजाइम, ठीक है। और एंजाइम क्या करेंगे? डाइजेशन की प्रोसेस करेंगे और ये जो फूड मटेरियल से छोटे छोटे से पार्ट में क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी थी आपकी डाइजेशन के बाद? थर्ड, एब्जॉर्प्शन। वेरी गुड, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में क्या होता है बेटा? मेरा आपका अमीबा, वही पुराना वाला, नई वाला अमीबा डाइजेशन हो गया, ठीक है। और यहाँ पर वही कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स फॉर्म है, बस चेंज हो गया था, ठीक है। फूड वैक्यूल से कॉम्प्लेक्स से ये क्या बन गया आपका? सिंप्लेक्स फूड। और सिंप्लेक्स फूड क्या होगा आपका? यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, याद रखिएगा, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। भाई इसमें कोई ऑर्गन तो है नहीं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, इतना बड़ा ऑर्गन नहीं है, तो सिंपल आपका डिफ्यूजन की प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से जो फूड मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में क्या हो जाएगा आपका? एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है, आपको ध्यान रखिएगा, डाइजेस्टिव फूड मटेरियल किसमें आ रहे हैं आपके? साइटोप्लाज्म। इतनी बात समझ में आ गई? साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट आता है आपका थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप की आपकी नहीं दिखाई दे रहा है, बड़ा सा बनाते। फोर्थ स्टेप है आपकी यहाँ पर एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में आपका क्या है? जो अमीबा है, अमीबा ने फूड मटेरियल को क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया। अब फूड मटेरियल को मेरा अमीबा इसने फूड मटेरियल को क्या कर लिया? अपना एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा? साइज में इंक्रीजमेंट करेगा, ठीक है। मींस अपनी ब्लॉटर, खाने से पहले कैसा था? पतलू, दुबलू पतलू सा था, ठीक है, बिल्कुल टुकड़ा था। लेकिन जब खाना खा लिया उसने तो क्या हो जाएगा? हेल्दी सा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से जो फूड इंटेक करते हैं उसका यूज कहाँ करते हैं? रेस्पिरेशन में और ग्रोथ में। तो वही एसिमिलेशन की प्रोसेस में जो अमीबा है, अमीबा क्या करेगा? अपनी ग्रोथ करेगा, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या कर दिया? अपनी ग्रोथ कर लिया। और कुछ जो वेस्ट मटेरियल था वो भी फूड वैक्यूल यहाँ पर आपका प्रेजेंट है। अब लास्ट स्टेप आता है यहाँ पर आपका कौन सा था? डाइजेशन, या फिर आपका एक्सक्रीशन ऑफ, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फूड, वेस्ट मटेरियल, ठीक है। वेस्ट मटेरियल का क्या होना? आपका रिमूव होना। तो यहाँ पर आपका ये अमीबा, ठीक, साइटोप्लाज्म, और ये जो फूड वैक्यूल की आपकी, ये अनडाइजेस्टेड फूड कौन सा है? अनडाइजेस्टेड फूड को किसी भी सरफेस पर, किनारे पर ले आती है और कहीं से भी आपका जो इसकी सेल यहाँ पर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रैप्चर करके और वेस्ट मटेरियल को बाहर आपका क्या कर देती है? एग्जिट आउट कर देती है। क्योंकि इसमें कोई आपका माउथ या एनस तो होता नहीं है कि भाई एनस है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक कोर है, यहीं से वेस्ट मटेरियल आपका क्या होगा? बॉडी से बाहर एग्जिट आउट होगा। तो अमीबा में कोई भी स्पेसिफिक कोर नहीं होता है वेस्ट मटेरियल को बाहर एग्जिट आउट करने के लिए। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसकी सरफेस द्वारा, ठीक है, जो अमीबा की आउटर सरफेस है वो एक जगह से रैप्चर हो जाती है और पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आपका क्या हो जाता है? एग्जिट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये फाइव स्टेप है जिससे कि अमीबा में आपका न्यूट्रिशन होता है। स्टेप वही है इंजेक्शन, दूसरा आपका डाइजेशन, थर्ड आपका कौन सा? एब्जॉर्प्शन, फोर्थ आपका एसिमिलेशन, और फिफ्थ आपका एडिशन या फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का क्या होना? आपका बॉडी से बाहर रिमूव आउट होना, ठीक है। मुझे पता है आपको याद हो गया, हाँ जी हो गया यार,
ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप फिर से वही बात, क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आगे वाला टॉपिक आपका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिससे आप आसानी से उसे समझ सकें। ठीक है, ओके बेटा, गुड बाय।